राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड राज्य में शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने एवं उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सहियाओं का चयन 2007 में किया गया और मार्च 2015 से इन्हें 1000 रुपया मानदेय के रूप में प्रत्येक माह दिया जा रहा है। परंतु धनबाद जिला झरिया नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 49 के लक्ष्मीपुर कॉलोनी की रहने वाली कमला देवी एवं उसके जैसे पूरे नगर निगम में 380 सहियाओं को मानदेय मिलने की शुरुआत से 2 महीने तक मिला और उसके बाद उसमें मानदेय मिलना बंद हो गया, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनाया गया कि 2000 रुपया 1000 रुपया करके इसी तरह मंथली दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, 2000 देकर के बंद कर दिया गया और उसके बाद में 10000 अटका हुआ है। अटका हुआ तो उसके लिए 7 रजिस्टर बनवाइए, जमा कीजिए, तब आपको मिलेगा। मैंने हर जगह काम ही दिखाइए, उसके बाद में ढंग का कोई का न पैसा है, न कुछ है, न पेमेंट है। आप लोग इसके बारे में कहीं एप्लीकेशन दिए हैं या किसी से बोले हैं? एक बार तो हुआ था। कहाँ बोले हैं? धनबाद में। अच्छा, किनको बोले हैं? तो हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ डीपीडी का, उसके बाद 2000 में इधर क्या बोलते हैं 2 मंथ का पैसा दिया गया, वो भी लड़ाई झगड़ा, हमारा VTT सब दबाव डाला, तब 2 महीना के दिया गया, उसके बाद नहीं दिया। अभी तक और नहीं मिला? नहीं नहीं। बैंक में जाइए, 3 बार 4 बार बैंक में भी घूर घूर के आते हैं, चढ़वे नहीं करता है पैसा, आज चढ़ा देंगे कल चढ़ा देंगे, वो भी जो खटा हुआ पैसा नहीं। हम लोग इसी उम्मीद पर आज करते आए कि हम लोग को कोई बेनिफिट बनेगा, लेकिन वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका भी सही ढंग से पैसा हम लोग को नहीं आ पाता है अकाउंट में। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूं कि आप धनबाद के CS डॉक्टर चंद्र विकास श्रीवास्तव को संपर्क नंबर 9431238283 पर फोन करके इस समस्या की जानकारी दें, ताकि वो पूरे लगन और उत्साह के साथ काम कर सके। मैं भारती, झरिया, धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।